मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। देश में अभी CAA और NRC को लेकर विरोध प्रदर्शन चल ही रहा है। जगह जगह इस कानून को लेकर विरोध हो रहे हैं, मगर इसी बीच मोदी कैबिनेट ने नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर यानी NPR को मंजूरी दे दी है। मंगलवार को मोदी कैबिनेट में हुई बैठक में NPR को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया। आपको बता दें कि NPR के तहत 1 अप्रैल 2020 से 30 सितम्बर 2020 तक नागरिकों का डेटाबेस तैयार करने के लिए देश भर में घर घर जाकर नागरिकों की जनगणना की जाएगी। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर की इस पूरी प्रक्रिया में करीब 8,500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। रजिस्टर नागरिकता अधिनियम सन 1955 के प्रावधानों के तहत स्थानीय, उपजिला, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया जाएगा। NPR में हर नागरिक का नाम दर्ज कराना जरूरी है। NPR ऐसे लोगों का लेखा जोखा होगा जो किसी भी इलाके में 6 महीने से रह रहे हों। मोदी कैबिनेट की मंजूरी के बाद NPR शुरू की जा रही है, जिसका मकसद देश के सामान्य निवासियों के व्यापक पहचान करना है। इस डेटा से जनसंख्या के साथ बायोमेट्रिक जानकारी भी शामिल होगी। आपको बता दें कि NPR और NRC बिल्कुल अलग हैं। NRC देश में अवैध रूप से रह रहे लोगों की पहचान करना है और NPR देश के किसी भी इलाके में 6 महीने से रहने वालों को NPR में अपना नाम दर्ज करवाना होगा। NPR 3 प्रक्रिया में चलेगा। पहला प्रक्रिया 1 अप्रैल 2020 से 30 सितंबर 2020 के बीच केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी घर घर जाकर आंकड़ा जुटाएंगे। दूसरी प्रक्रिया में 9 फरवरी से 28 फरवरी 2021 तक ये पूरा किया जाएगा। और तीसरी प्रक्रिया में संशोधन की प्रक्रिया है, जो 1 मार्च से 5 मार्च तक चलेगी। यानी अगले साल 2020 1 अप्रैल से सभी को NPR के लिए तैयार रहना होगा। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।